हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्री मिक्स की रिवीजन सीरीज में। तो हमने जैसे वीडियो डाला था पहले, लेकिन विड्रॉ कर लिया क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। उस पर हमने एक अपने प्रोफेसर साहब से भी क्लैरिफिकेशन लिए एंड उसके बाद हमने आर्टिकल भी लोकेट किया जहां पर उसके बारे में हमें क्वेश्चन के बारे में पता लगता है। चलो शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। जो जियाउद्दीन बरानी ने क्या कंपोज किया था ये आपको पता है, तारे के फरूशाही, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक एपिक जो क्रिएट किया गया था एंड अदरवाइज पद्मावत के बारे में बहुत बात हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा हाई लाइकलीहुड है कि बच्चे पद्मावत मार्क कर दें, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रोग प्लैनेट। रोग प्लैनेट क्या होता है? जो गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, एक सन या फिर एक स्टार का चक्कर ना लगा के गैलेक्सी का चक्कर काट रहा होता है, गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर काट रहा होता है। एंड मिल्की वे में लिखा हुआ नो रोग प्लैनेट, नो दैट इज रॉन्ग। ऐसा कहना बहुत ही, जैसे ना आपको एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने ऐसा मार्क नहीं करना, नो रोग प्लैनेट नहीं, इतना कैसे पता लगेगा ना, इतनी ह्यूज है हमारी गैलेक्सी। तो इसलिए यहाँ पर वन ओनली इज करेक्ट, ठीक है। आपने पूछा गया आपसे कौन सा करेक्ट है, देन जिम्बाब्वे, क्योंकि जो रॉबर्ट मुगाबे को लेके जो बात चली थी उसके कारण जिम्बाब्वे न्यूज में था, लैंडलॉक्ड कंट्री है, दैट इज करेक्ट। विक्टोरिया फॉल्स बाउंड्री पर है, तो यहाँ पर बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये अगला, उसके बाद हमारे पास आया कि इन सिटीज में क्या कॉमन है, जो कोलंबो एंड हम्बनटोटा श्रीलंका में, एंड फॉरेस्ट सिटी रिवॉर्ड सिटी मलेशिया में, क्योकप्यू जो जोन है हमारा म्यांमार, एंड दुकमिन ओमान, ये न्यूज में था। तो इसी कारण इनमें क्या कॉमन है कि चाइना यहाँ पे बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इंडिया वगैरह का यहाँ पे थोड़ी चिंता बढ़ गई है। रिगार्डिंग फीफा वर्ल्ड कप, यहाँ पे वही है कि बाकी कंट्रीज ने जब 1950 में विड्रॉ कर लिया था तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गया था, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया कहता कि इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। एंड सेकंडली विकीपीडिया बताता है कि इंडियन प्लेयर्स आस्क्ड कि उनको जो बेयर फुट खेलना है बिना जूते पहने, तो फीफा ने अलाउ नहीं किया, तो इंडिया ने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद से इंडिया कभी क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इंडिया नेवर मैनेज टू क्वालिफाई। जो क्वालिफायर आए 2022 का, जो ये वाली स्टेटमेंट सही है, 2022 का वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड 18 वाला रशिया में होने वाला है जून में। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा हुआ ट्रू कौन सी है, वन ओनली ट्रू, ठीक है दोस्तों। चलो आगे, तो ये अपने पास यहाँ पे ऑप्शंस भी लगी हुई हैं, आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। देन कम्स योर जो डे फोर, यहाँ पे बोला है कि अगर आपको अपग्रेड सर जो क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड मिल जाए उससे क्या होता है। उससे पहला तो यही है कि जो आपके जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स बूस्ट होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है आपकी कंट्री के बारे में, एंड आपकी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, दैट इज देयर। एंड उसके बाद कंट्रीज को डेट भी, जो अपनी कंपनीज को अगर डेट भी ओवरसीज सस्ता मिलेगा क्योंकि रिस्क कम हो जाएगा आपकी कंट्री, क्योंकि उसने एक अपग्रेड रिसीव किया है। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ओके, देन आगे यहाँ पे वाडा, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये अगेन न्यूज़ में था इंडिया यहाँ पर, तो इसके रिगार्डिंग तो आईओसी ने इसको जो शुरुआत किया था, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दैट इज ट्रू, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी फाउंडिंग मेंबर रह चुकी है तो वाडा की, तो ये भी हमारा ट्रू है, क्योंकि नाडा एंड वाडा पर जो था ना, नाडा जो हमारा नेशनल जो अथॉरिटी है एंटी डोपिंग, 1931 का जो इस पे अभी डाउट था इसको क्लियर किया, जो हमने पहले भी आंसर हमारा वन था तो उसके बाद, लेकिन डिबेट भी हुई थी। तो ये अभी क्यों, क्योंकि सोवियत स्टाइल जो कम्युनिज्म है वो 100 साल उसको पूरे हो गए जो, और सारे जो सिस्टम को 18 में, एंड उसके बाद यही इसका आंसर है कराची रेजोल्यूशन का। तो क्योंकि हमने प्रोफेसर साहब से भी कंफर्म किया, ये दैट इज राइट। दो यहाँ पे बात क्या होती है, डिबेट क्यों होती है, क्योंकि जो ब्रिटिश स्टाइल कम्युनिज्म है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, वो वहाँ पे वो थोड़ा फेबियनिज्म की बात की जाती है, यहाँ पे थोड़ा डाउट आता है। लेकिन अदरवाइज अगर जो आपको सेटल करना, क्योंकि यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे डिबेट होती रहती है, तो आंसर इज सोवियत स्टाइल, इंडियंस वर हैविली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, जो सोवियत स्टाइल से। और कहा जाता है एमएन रॉय ने भी काफी हेल्प दी, लेकिन बाद में जेएल नेहरू ने मना कर दिया कि नहीं, कोई एमएन रॉय ने हेल्प नहीं करी। इन एनी केस तो किसका हैवी हमारा यहां पर है, सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म पर के साथ जाएंगे हम, ब्रिटिश स्टाइल मार्क नहीं करेंगे। हमारा प्रीवियस जो प्रीमिक्स था उसमें भी हमने यही मार्क किया हुआ है, ठीक है। ओके, देन एमरल्ड ड्रैगन फ्लाई इंडिया की है, ये कार्निवोरस इंसेक्ट है एक, और ये हायर ऑल्टीट्यूड में पाया जाता है, जो पेरियार हमारा जो रिजर्व है वहाँ पाया जाता है, एंड तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 80 ईयर्स के बाद स्पॉट हुआ है, तो इसलिए अगेन न्यूज़ में था। ऐसे ऐसे चीज़ें यूपीएससी ने बहुत ऑफन पूछी है, ध्यान रखना, ठीक है। एमरल्ड ड्रैगन फ्लाई कार्निवोरस है, ये कार्निवोरस, ठीक है, एंड ऑर्डर डेटा ऑर्डर के। उसके बाद जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, ये इसके बारे में बताया हुआ कि ओनली इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, जो कि अगर इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हों अगर, तो अगर उनको बच्चे अडॉप्ट करने हैं तो उनको तो रजिस्टर करना है, इंडियंस को भी करना है, दैट इज देयर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ओनली यहाँ पे सही नहीं है। एंड सिंगल्स को मना किया, गर्ल चाइल्ड नो, दैट इज नॉट राइट, सिंगल मेल्स को, ठीक है, सिर्फ सिंगल मेल्स को गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करने में मना ही है, सिंगल फीमेल्स कर सकती हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। तो ये आप साथ साथ मार्क करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो अगला प्रीमिक्स जो है प्रीमिक्स 5 नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तो दिन के तीन तीन वीडियोस निकालते हैं, कुछ अब प्रैक्टिस करने के ट्राई करेंगे हम पेपर से पहले ही, कुछ 600-700 क्वेश्चंस और, ठीक है। चलो मिलेंगे जल्दी, थैंक्स अ लॉट।